डिप्टी सीएमओ सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत, झूसी में हुई दुर्घटना, निजी कार से लौट रहे थे। अब 2 बजे रात, पौने 2 बजे रात की घटना बताते हैं कि वहाँ जो नया पुल बना है उसी पुल के ठीक क्रॉस में उल्टा सीधा कैसे ड्राइवर की गलती हुई या क्या हुआ या नींद आ रही मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और उसमें वो ट्रक से डायरेक्ट ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे पलटने की वजह से खाई में गाड़ियाँ काफ़ी गिरी। अब उस खाई के गिरने में ये लोग गाड़ी में एकदम चिपक से पकड़ गए। इस वजह से 3 लोग ऑन स्पॉट ही बता रहे हैं, लोग डेथ किए, कोई कह रहा है रास्ते में आके 2 लोग डेथ किए। अब हकीकत की स्थिति है मुझे ज्ञान नहीं है, हम लोग तो हॉस्पिटल में आने के बाद पता चल रहा है। और बच्चियों की क्या हालत है? छोटी बेटी की हालत, हाथ में चोट है और पहचान ले रही है, बातचीत हो रहा है उससे। मैं गया था स्वयं अभी देख करके मिल के आया हूँ, बल्कि उसने मुझसे पूछा भी कि पापा लोगों की क्या हालत है, तो मैंने उससे झूठ बोला कि अभी वो पापा भी मेडिकल कॉलेज में, उनके सर में चोट है, इलाज चल रहा है। बड़ी बेटी है? बड़ी बेटी को सर में चोट ज़्यादा है, वो अभी सेंस में पूरा नहीं है, जिसके वजह से चिंता बनी हुई है। अब डॉक्टर साहब लोगों से मैं मिला हूँ, बातचीत किया, उन्होंने बताया कि डॉक्टर चौहान साहब को मैं ले आकर के दिखाया गया है। अब वेट एंड वॉच करके दवा कर रहे हैं लोग कि 2 दिन शायद ब्रेन में चोट है तो इसको थोड़ा सा वॉच किया जा सकता है, सेंस में कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद ही कोई ऑपरेशन का या उनका कोई ड्राइवर का ड्राइवर कहाँ पे है? ड्राइवर को बता रहे हैं लोग कि शायद वहाँ से वो उतर के भागा है। अब वो किस गाड़ी में भाग रहा था, पैदल भाग रहा था, क्या लेके भाग रहा था ये पता नहीं, लेकिन वहाँ लोगों ने फिर दौड़ा के उसको शायद पकड़ा, तो वो भी शायद थाने में ही बैठाया हुआ है। अपना पर्चे दे।